बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सपोनेंट एंड पावर्स, आज हम करेंगे इसकी वर्कशीट क्योंकि हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर ली थी पहले के लेक्चर्स में। इसकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट आप देखिएगा। फर्स्ट का ए पार्ट बहुत ईजी है, उसको आप खुद कर सकते हैं। आप बी पार्ट देखिए, इसका बी पार्ट में बोला गया है इसका 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 टू द पावर 2। फिर बेटा ये मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे प्लस है डिवाइड है, डिवाइडेड बाय 3/4 टू द पावर 4। तो ये बोला ये किसके इक्वल होगा, तो मैंने आपको बताया था बेटा जब भी बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाता है, और जब डिवाइड होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट। तो 3/4 और यहाँ पे पावर 1 और ये 2, ये तो प्लस हो जाएंगे, बट ये वाली जो पावर है ये डिवाइड हो रही है तो ये माइनस हो जाएगी। तो 3/4 ये हो गया 1+2 3, और 3 में से 4 गया बच्चा -1। एंड आपको पता है जब पावर नेगेटिव होती है तो अंदर वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3। क्लियर है आपको? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ये आपके एग्ज़ाम में भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये ओलंपियाड में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। आप देखिएगा, बोला है 3/4 टू द पावर -3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3/4 टू द पावर 4x इक्वल्स टू 3/4 टू द पावर 3। तो हमें यहाँ पे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमें बतानी है बेटा। अब देखिए ये दोनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर क्या हो जाएगी, इनकी दोनों की पावर के बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, ठीक है, -3+4x एंड इक्वल्स टू 3/4 की पावर 3। और आपको पता है जब दोनों तरफ बेस सेम होते हैं तो पावर इक्वल हो जाती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेसेस आर सेम देन पावर विल बी इक्वल। तो -3+4x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 के, ठीक है, 4x इक्वल्स टू, सबसे पहले हम जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको लेके जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो 3 वाला जो -3 है राइट हैंड साइड में आके हो जाएगा +3। तो 4x इक्वल्स टू हो गया हमारा 6, तो x इक्वल्स टू हो गया हमारा, बेटा आप मुझे एक बार ये बताइए यहाँ पे 3 लिखा है 5 लिखा हुआ है, आई थिंक 5 होगा, है ना? आप मुझे यहाँ पे बताइए बेटा 3 लिखा है 5 लिखा है, 5 है ना बेटा? सिर्फ 5 लिखा है। ओके 5 है ना, वही मैं सोच रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, तो ये 5 था बेटा, जैसे इधर 5 लिख लीजिए, तो 5+3 ये हो जाएगा हमारा 8, और 4 चला जाएगा 8 के अपॉन में, तो 4 से 8 डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू आ गई 2, तो x आ गया हमारा बेटा 2, तो हमारा इसका आंसर है 2, ऑप्शन सेकेंड वाला करेक्ट है, ठीक है। नाउ उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर डी देखिए, वर्कशीट में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर डी देखिए, इसमें बोला है 3^2x-1-5 एंड ये पूरा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू दिया हुआ 11, तो वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है हमें, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए कैसे होगा ये, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 3^2x-1-5 और ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरे के मैं नीचे लिख सकता हूँ ऐसे, है ना, डिवाइड हो रहा है तो अपॉन में चला जाएगा। अब हमें ये x निकालना है, तो आप देखिए हम क्या करेंगे, ये 2 के हमने कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरे के अपॉन में था ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 11 के साथ आ गया, तो 2 11s are 22, तो इधर बचा 3^2x-1-5 और ये 2 के 11 में मल्टीप्लाई हो गई, तो 2 11s are 22, ठीक है। हमें चाहिए x, तो इसके साथ जो भी एक्स्ट्रा है दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 5 इधर प्लस माइनस का है दूसरी साइड आके ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 3
टू द पावर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 27। अब आपको पता है कि भाई मुझे दोनों तरफ बेस सेम बनाने हैं, तभी पावर को इक्वल भी रख सकता हूँ मैं। तो मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो भाई बेस सेम बनाना है तो भाई 3 में चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 1, 2, 3, तो ये हो गया 3 की पावर 3। अब देखिए दोनों बेस सेम हो गए, तो जैसे ही दोनों बेस सेम हुए तो यहाँ पे लिखेंगे बेसिस आर सेम देन पावर्स विल बी इक्वल। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, तो 2x इक्वल्स टू माइनस 1 राइट हैंड साइड आके 3 प्लस 1 हो जाएगा, और 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 4, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 4/2, तो x की वैल्यू आ गई 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप ये मान के चलिए कि अगर ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आता तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता उसमें से, ठीक है। समझ में आया बेटा सबको, किसी को कोई डाउट इसमें? देवेंद्र बेटा, अंशिका, लक्ष्य, समर, कोई डाउट बेटा? नो सर। हेलो सर। हाँ बेटा। मेरी तरफ से मेरा मोबाइल का स्क्रॉल बंद हो गया, पता नहीं कैसे सर, प्लीज फिर से एक बार बता दिए। फिर से बता दें? चलिए बेटा ध्यान से सुनिए फिर। देखिए बेटा, ये हमारा क्वेश्चन था 3 to the power 2x minus 1 minus 5 divided by 2 equals to 11। तो हमें ना यहाँ पे x की वैल्यू निकालने को बोला गया था। तो देखिए 2 डिवाइडेड बाय है, तो ये 2 चला जाएगा इसके अपॉन में, पूरे के अपॉन में, है ना, फर्स्ट की तरफ जो वैल्यू है। फिर हमने कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, जो भी पूरे के अपॉन में होता है उसको बेटा हम दूसरी साइड ले जाते हैं। तो ये 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 11 से 22 हो गया, ठीक है। हमें चाहिए x, तो उसके साथ जितना भी एक्स्ट्रा है सबको दूसरी तरफ भेजना है। तो 5 को भी हमने भेज दिया राइट हैंड साइड, तो 5 राइट हैंड साइड में, माइनस था पहले लेफ्ट में, तो राइट में आके हो जाएगा प्लस। तो 22 प्लस 5 हो गया 27। आपको पता है बेटा ये पावर में है, तो हम पावर को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब दोनों तरफ बेस सेम होगा। तो मुझे यहाँ भी बेस 3 बनाना पड़ेगा, तो 27 के मैंने फैक्टर किए हैं, तो वो आ गया 3 × 3 × 3। तो इधर देखिए दोनों तरफ बेस सेम हो गया, अभी हो गया नहीं हो गया, ऐसा हो गया है ना। तो इसको 3 को लिख सकता हूँ 3 to the power 3। अब यहाँ भी 3 to the power 2x minus 1, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर इक्वल हो जाती है। तो वही हमने किया, 2x minus 1 equals to 3, और x की वैल्यू यहाँ से निकाल दी, वो आ गई हमारी 2। समझ में आया बेटा? यस सर। क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए अब आगे देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर इसका ई देखिए, ई में बोला गया है क्वेश्चन नंबर ई में इसके कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है किसको, 1/1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, 10 lakh, 10 lakh crore, 10 crore, मतलब 50 crore को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। नीचे देखिए 1, और मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 10^1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हो गया 10^8 हो जाएगा, है ना। तो 10^8 को तो मैं ले गया ऊपर, तो वो 8 हो गया ऊपर आके माइनस, है ना, 10^-8। आपको पता है जब भी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाता है तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है सर। 8:30 पे हमारी स्कूल की मीटिंग है। ओके, जस्ट मैसेज आया अभी। ओके, तो बेटा मैं 7 पे रख दूँ, 7 o'clock रख दूँ, कोई दिक्कत किसी को उठने में? 7 बजे उठ जाओगे ना? यस सर। ओके, अच्छा मीटिंग कितने बजे तक ख़त्म हो जाएगी? ये 9:30 तक तो ख़त्म ही हो जाएगी, 9 बजे तक 9 बजे तक, तो आधे घंटे की रहती है। हाँ तो 9 बजे रख देते हैं फिर क्लास, ठीक है। हाँ तो आप ये देखिए बेटा, तो ये 10^8 को मैं ऊपर ले गया न्यूमरेटर में, तो वो सब्ट्रैक्ट में हो जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगी। अब हमारे पास आ गया 1/5, बट ऑप्शन में तो 1/5 कहीं भी नहीं है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। 1 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा, तो ये आ जाएगा 0.2 × 10^-8। यही तो आएगा बेटा, 0.2 × 10^-8 आएगा। और मैंने आपको क्या सिखाया था कल, कि पॉइंट को हम कहाँ लेके आ जाते हैं, फर्स्ट डिजिट के आगे ले आते हैं, है ना। तो 2 पॉइंट इधर आ गया, और इसके बाद 0 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2.0 लिख दो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मैंने आपको बताया था जब भी पॉइंट जो है लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा
तो पावर में जो है वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बताया था नहीं बताया था, तो ये हो गया 10 की पावर -9, तो 2 × 10 की पावर -9। आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, आई थिंक ऑप्शन बी में दिया हुआ है, सेकंड में। ठीक है बेटा, जब भी देखो बेटा पॉइंट जो है, जैसे ये लिखा हुआ है, सपोज ऐसे लिखा होता और पॉइंट को हमें फर्स्ट डिजिट के आगे लाना होता है हमेशा, तो जब भी ये आता है यहाँ पे जो भी पावर है, तो 1, 2, 2 प्लेसेस आगे आया, तो पॉइंट जो है ना जितनी भी प्लेसेस आगे जाएगा 10 में से उतनी पावर माइनस कर देते हैं जब वो लेफ्ट से राइट की तरफ आता है, और जब वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है तो उतनी पावर ऐड कर देते हैं जितनी प्लेसेस वो आगे की तरफ जा रहे हैं। क्लियर क्लियर है बेटा सबको? ये यस सर। देवेंद्र समझ में आया? लक्ष्य, देवेंद्र, समर, 5.8 × 1.5 × 10 की पावर -8 समझ में सर। आया ये बेटा जीरो पॉइंट क्वेश्चन? टू यहाँ पे 0.2 कहाँ से आया बेटा 1 को 5 से डिवाइड करो, सर? 0.2 ही आया। 0.0 और 5 2 10। ठीक है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म फिर से समझा दीजिए। ओके बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म फिर से समझा देते हैं। देखिए बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत सिंपल है, जैसे आप कोई भी नंबर लिखते हो ना, ये हमारी कहलाती है यूजुअल फॉर्म। ठीक है, ये यूजुअल फॉर्म कहलाती है। जैसे ये फर्स्ट नंबर है, और भी लिख लेते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत तरीके से लिख सकते हैं हम, ये हमारी यूजुअल फॉर्म कहलाती है। ठीक है बेटा, और भी देखिए एग्जांपल। ये हमारी यूजुअल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जब हम इसको ना 10 की पावर में चेंज कर देते हैं। तो 10 की पावर में चेंज करने के लिए सिंपली क्या करना है आपको, पॉइंट को उठा के जो भी फर्स्ट नंबर है 0 के अलावा वहाँ लगा देना है, जैसे 8.97 है ना, और आगे वाली 0 ख़त्म हो जाती है, आपको पता है आगे की भी 0 ख़त्म हो जाती है अगर कोई डिजिट नहीं है 0 के अलावा, और पीछे की भी 0, जैसे यहाँ पर ये 0 ये भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर भी कोई डिजिट नहीं है 0 के अलावा। तो आप बस जितना भी पॉइंट लेफ्ट या राइट की तरफ ले गए 10 की पावर उतना सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे आप पॉइंट ले गए 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट से आगे, 8 से आगे ले गए ना, तो 10 की पावर में से माइनस कर दो 5। ठीक है, जब आप कब ले जाओगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। अब यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं दिख रहा होगा, तो अगर आपको पॉइंट नहीं दिख रहा ना, तो ये अंडरस्टूड होता है कि बेटा वो लास्ट में है। अगर पॉइंट नहीं दिख रहा तो वो लास्ट में अज्यूम करते हैं, तो उसको हमें यहाँ लाना है 5 के आगे, है ना, 5.53, पीछे के 0 लिखेंगे ही नहीं। तो कितनी प्लेसेस आगे लाए, यहाँ पे था लास्ट में, कहीं नहीं दिख रहा, तो लास्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेसेस आगे लाए। तो जब आप लेफ्ट से राइट की, राइट से देखो, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, तो 10 में उतनी पावर ऐड कर दो जितनी भी प्लेसेस आप आगे जा रहे हो। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सेम यहाँ पे 4.93 हो जाएगा, तो कितनी प्लेसेस आप उसको लेफ्ट से राइट ले गए, 1, 2, 3, तो 10 की पावर -3। ठीक है, और यहाँ पे 1.5575 हो जाएगा, तो कितनी प्लेसेस आगे ले गए, 1, 2, तो 10 की पावर +2। क्लियर है बेटा, समझ में आया आपको अच्छे से? देखिए इसमें भी एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, चलिए ये आपको आ गया होगा, मुझे जहाँ तक है लग रहा है कि आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। बट बेटा अगर इसमें जैसे ना, एक ऐसा भी होता है कि सपोज़ वो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में था, 10 की पावर, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था बट 10 की पावर कुछ दी हुई थी, तो है ना, तो मैंने आपको बताया ना उसको फर्स्ट वाली डिजिट के बाद में लाना है पॉइंट को, तो फर्स्ट वाली डिजिट के बाद में हम लिया है, 2 डिजिट कूद के गया ना, एक तो ये वाली डिजिट, एक ये वाली, तो 2 डिजिट कूदा। तो बस क्या करना है भाई आपको, जब राइट से लेफ्ट जाएगा तो 10 में जितनी भी पावर उसमें 2 ऐड कर देंगे, अब जब लेफ्ट से राइट आएगा तो पावर में से 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? सही, आपने क्वेश्चन नंबर जो 4 में, हाँ सर यहाँ पे तो कोई पावर है नहीं सर, तो भी आपने यहाँ पे कैसे लिख दिया कि तो यहाँ अपनी पे तरफ से, 4 बना? अपनी तरफ से 10 लिखते हैं बेटा। ठीक है सर, ठीक है ना, अपनी तरफ से 10 लिखते हैं। ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, ये किसने भेजा है मुझे, ऋतु सर क्वेश्चन सर, चाहे अंकिता? जितनी भी पावर लगा दें। हाँ बेटा, क्या
सर कितनी पावर लगा दी? अच्छा बेटा बताए तो पावर डिपेंड करती है ना कि पॉइंट कितने डिजिट आगे गया है, दो डिजिट आगे गया ना तो टू ही पावर लगाएंगे, ठीक है, जितने डिजिट वो सर आगे चाहे गया। 0 लिखा चाहे नहीं ना। अच्छा हाँ जीरो आपके पीछे आपकी मर्जी, जीरो लिखो या मत लिखो। अब देखिए बेटा रितु ने क्वेश्चन, रितु कह रहा अंशिका ने क्वेश्चन भेजा है, ये है हमारा 10/3 इंटू 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x-1, ठीक है, और इक्वल्स टू 81। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था 3 10 × 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x-1 इक्वल्स टू 81। तो इसको मैंने सॉल्व करने के लिए क्या किया ना, ये 3 आपको नीचे दिख रहा है, ये ऊपर है, तो दोनों ही डिवाइड में है, तो आपको पता है डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 3 की पावर x-1 हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, तो ठीक है बेटा समझ में आया इतना। यहाँ पे देखा आपने ये 3 की पावर x ऊपर थी, ये 3 नीचे था, तो दोनों डिवाइड में हो गए ना बेटा, ऐसे अगर कोई लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो डिवाइड में तो है, तो डिवाइड में आपको पता है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, तो x में से 1 माइनस हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए बेटा कि दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी, तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया 3 की पावर x-1, कॉमन लेने के बाद मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा और ब्रैकेट, तो यहाँ से क्या रह गया, यहाँ से रह गया ये 10, ठीक है, इधर से तो 10 बचा, फिर ये माइनस का साइन, और इधर से क्या रह गया 1, है ना, क्योंकि जो भी हम कॉमन लेते हैं ना बेटा उनसे तो डिवाइड। कॉमन था ना, हाँ बेटा सुन लो, जो तो भी हम कॉमन था यहाँ पे। सुन ले बेटा सुन ले, बहुत ध्यान से सुन ले, सम अभी वही बता रहा हूँ मैं कैसे बनाया। बेटा जो भी हम कॉमन लेते हैं ना, जो भी दोनों तरफ सेम होता है कॉमन आता है, उससे फिर हम इन्हें डिवाइड करते हैं। तो जैसे आप देखिए बेटा 10 की पावर x-1, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 की पावर x-1 से। बेटा म्यूट कर दीजिए आप अपना, आवाज़ आ रही है बहुत। सीट बेल्ट नहीं लगाई, ठीक है, तो आप देखिए बेटा 10 ये था ना 10 × 3 की पावर x-1, तो जो भी हमने कॉमन लिया उसे ना डिवाइड करना है, तो मैं ये डिवाइड करूँगा ये तो कट कट जाएगा पूरा, तो बचेगा कितना 1 10, ठीक है, अब इसी से मैं दूसरे वाले को भी डिवाइड करूँगा, तो 3 की पावर x-1 के टेल में 3 की पावर x-1 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, क्लियर हुई बात। यहाँ भी 1 था तो 10 बन जाए तो 10 हो जाएगा ना, पर और यहाँ पे जो है कोई भी वैल्यू नहीं है, तो 3 की पावर x-1 के टेबल में 3 की पावर x-1 कितनी बार में आया, 1 बार में, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। उसके बाद 3 की पावर x-1 मल्टीप्लाई 10 में से 1 गया बचा 9, ठीक है 9 बचा ना, अब हमें यहाँ पे देखना है कि x की पावर कहाँ है, तो x की पावर इधर है 3 के ऊपर, तो जो 3 का ये जो बेस है ना सब जगह यही सेम बेस बनाना है, तो मैं 9 को भी क्या लिख सकता हूँ, 9 को भी मैंने चेंज कर दिया 9 की पावर 2, और 81 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, है ना, आपको 81 के फैक्टर कर दीजिए 3 से, 27 3 9 3 3 3 1, तो कितने 3 हो गए, 1 2 3 4, तो इसको लिख लिया मैंने 3 की पावर 4, मल्टीप्लाई है पावर ऐड हो जाएगी x-1 + 2 और इक्वल्स टू 3 की पावर 4, अब दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर विल बी इक्वल, जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाती है ना, तो यहाँ पे चाहे तो आप लिख दीजिए बेसेस आर सेम देन पावर विल बी इक्वल, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स माइनस वन में से प्लस टू गया तो बचा प्लस का 1 और एक्स इक्वल्स टू 4 और ये 1 इधर आ जाएगा माइनस, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3, एक्स इक्वल्स टू 3। अंशी का समझ में आया बेटा? यस सर, क्लियर हो गया सबको सर? हाँ बेटा सर, ये जो फर्स्ट स्टेप में 10 के नीचे जो 3 था वो कहाँ गया? बेटा मैंने आपको बताया तो सही, देखिए ये दोनों 3 जो है डिवाइड में है, कैसे, यहाँ पे देखिए आप, ये ऊपर की तरफ 3 लिखा है ना, ये नीचे की तरफ, तो मैंने इसको इधर दिखाया आपको अलग से लिख के कि 3x/3 इसी फॉर्म में तो है ये, तो दोनों डिवाइड में ही तो है, तो डिवाइड में इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, नीचे 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1, ऊपर x है तो 3 में से 3 की पावर x-1 नहीं लिख सकता इसे मैं बेटा, ठीक है, फिर 3 की पावर x-1 कॉमन आ गई, फिर जो भी हम कॉमन लेते हैं उनसे इन्हें डिवाइड करते हैं,
ये पूरे को डिवाइड करूँगा 3 की पावर x माइनस 1 से, इधर करके दिखाया है। देखो 3 की पावर x माइनस 1 से 3 की पावर x माइनस 1 ख़त्म, तो 10 बन जाए 10 बच गया। फिर इसको भी डिवाइड करूँगा जो कॉमन लिया है ना, कॉमन 3 की पावर x माइनस 1 था ना, तो इससे इसे डिवाइड किया, 3 की पावर x माइनस 1 के टेल में 3 की पावर x माइनस 1 आया 1 बार में, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया क्योंकि 1 बच गया था। फिर 10 में से 1 गया बचा 9। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो x है उसका बेस जो है 3 है, तो हमें हर जगह बेस 3 ही बनाना पड़ेगा क्योंकि जो पावर का बेस है ना वही हमें बनाना पड़ता है। तो हमने 9 को लिख लिया 3 का स्क्वायर, और 81 को भी लिख लिया 3 की पावर 4। यहाँ पे आपको मैंने फैक्टर भी करके दिखाया कि कैसे ये 3 की पावर 4 हो जाता है, ठीक है। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, है ना, पावर के पीछे प्लस का साइन, फिर दोनों तरफ बेस सेम है, इधर भी 3 इधर भी 3, तो पावर इनकी सेम हो जाएगी, मतलब इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इक्वल रख के सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल दी 3। समझ में आया बेटा? यस सर। लक्ष्य आपको समझ में आया? समर आपको समझ में आया अच्छे से? देवेंद्र बेटा आपको समझ में आ गया ये वाला? सर यहाँ पे तो 10 की 10 माइनस सर 1 तो चला गया था माइनस होकर के यहाँ पे। हाँ सर, फिर सर ये वाला 1। हाँ हाँ सर, तो यहाँ पे 1 कैसे आ गया, यहाँ पे 1 कहाँ से आ गया, कहाँ पे 1 सर ये वाला? अरे तो बेटा ये तो इसका 1 है ना सर, ये वाला 1 तो सर वैसे रहने देंगे ना फिर। हाँ तो ये तो इसका 1 है ना, ये वाला 1 है ना, ये भी तो 1 है इधर, है नहीं है सर? फिर वो वाला 1 भी तो लिखेंगे ना बेटा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी इसमें भी है, ये लिखा हुआ है आपकी बुक में भी। क्वेश्चन है द साइज ऑफ ए रेड ब्लड सेल, इसे लिख लीजिए, द साइज, एक मिनट है, द साइज ऑफ ए रेड ब्लड सेल ठीक है, द साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज 0.00001275 मीटर, देन फाइंड रेशियो ऑफ द साइज ऑफ ए ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल टू डेट ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, देखिए बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, कि बोला एक रेड ब्लड सेल है, जैसे रेड ब्लड आपका ब्लड है ना, हमारा हमारे ब्लड में दो टाइप की सेल्स होती है ना, एक तो रेड ब्लड सेल एक वाइट ब्लड सेल। तो जो आपकी रेड ब्लड सेल है अगर उसका साइज इतना है, और एक प्लांट सेल है, प्लांट मतलब पेड़ की सेल, पेड़ की बॉडी में जो सेल होती है उसका साइज अगर इतना है, तो दोनों का रेशियो बताना है, किसका, रेड ब्लड का किससे, प्लांट सेल से। तो रेशियो इक्वल्स टू रेड ब्लड पहले बोला है तो उसको लिख लीजिए ऊपर की तरफ, रेड ब्लड सेल का जो साइज है, ठीक है, और फिर बाद में प्लांट ब्लड बोला था, प्लांट सेल बोला था, तो उसका साइज नीचे की तरफ लिख लीजिए, ठीक है। देखिए मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से कराने वाला हूँ, दोनों हमने लिख लिया, अब इसमें पॉइंट हटाते हैं हम लोग, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो बेटा आपको पता है जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे की तरफ जितनी पॉइंट के बाद डिजिट है उतने 1 के आगे 0 लग जाती है, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट थी, तो 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही इसका पॉइंट हटाऊंगा तो इसके ऊपर की तरफ लगेगी, तो
तो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 लिख लिया मैंने सीधा, है ना। 8 बार 0 ना लिख के 10 की पावर 8 भी लिख सकते हैं उसे। तो अब हमारे पास आ गया 7 अपॉन 1 2 7 5 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 6। ये आप देख रहे हो ना, 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 6 दोनों डिवाइड में है ना, तो आपको पता है डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है जब बेस सेम होता है। तो इसे मैंने 7 से काटा नीचे वाले नंबर को, 7 के डेल में मैं देख लेता हूँ 1275 कितनी बार में आया, 7 मंजे 7 बचा 5 7, 7 8 जा 56 बचा 1 5, 7 2 जा 14। तो ये तो भाई कट नहीं रहा है ना, यही था बेटा। एक बार आप एक मिनट में से देख लेता हूँ, यही वैल्यू है ना 12, ठीक है 5, यहाँ से बच्चे 7 8 जा 56, ठीक है बेटा ये नहीं कटेगा, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो ये हो गया हमारा 7 अपॉन 1 2 7 5 इंटू 10 की पावर 2। अब बेटा आप मुझे ये बताइए इसके ऑप्शन में आंसर क्या कहते हैं, तो फिर मैं उसी हिसाब से इसको मैच कराता हूँ। बेटा जो ऑप्शन होंगे ना फिर उसी हिसाब से इसको मैच कराना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना, वरना तो ये यहाँ तक भी सही है। ओके आपने मुझे ऑप्शन भेज दिए, ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसे मैच करा लेते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया कि 10 को हमने लिख दिया, 10 की पावर 2 था ना, तो उसको मैं 100 लिख सकता हूँ, है ना, 10 की पावर 2 मतलब 10 इंटू 10, तो 10 10 100। 25 से मैंने इसे 5 से काटा, 5 20 5 2 12, 5 5 25, 5 5 25, फिर अगेन 5 से काट लिया, 5 51 जा 5 4 जा, तो ये आ गया हमारा 7 4 जा 28 एंड अपॉन 51। तो इनका रेशियो कितना आ गया, इसका रेशियो आ गया बेटा हमारा 28:51 आंसर। समझ में आया बेटा, 28:51 समझ में आया अंशिका? यस सर। तो ऐसे हम कर सकते हैं सर, ठीक है बेटा। और कोई डाउट? नो सर। और किसी का कोई डाउट? देवेंद्र आपका डाउट बेटा कोई? सर यही था। चलिए तो मैं आगे की एक्सरसाइज करा देता हूँ इसमें। सर एक और डाउट था, मैं अभी आपको भेज। हाँ बेटा भेज दीजिए मुझे जो भी डाउट है आपका, बेटा जिसके जो भी डाउट्स है ना आप मेरे को भेज दीजिए करिए, ताकि वो शॉर्ट आउट हो जाए, है ना, डाउट जो है लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए वरना वो प्रॉब्लम बन जाते हैं। चलिए बेटा एक डाउट और है, ये भी अच्छा है, इसको देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है बेटा सॉल्व फॉर वाई, मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व फॉर वाई मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है इफ़, अगर क्वेश्चन लिखिएगा बहुत लंबा सा है थोड़ा, 1 अपॉन 9 की पावर 2y-1 हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई 0.0081 की पावर 1/3 पूरा डिवाइडेड बाय, ये पूरा डिवाइड हो रहा है किससे, अंडर रूट 243 से, और इक्वल्स टू लिखा है 1/3 की पावर 2y-1, और इस पूरे की मल्टीप्लाई हो रही है क्यूब रूट, यहाँ पे देख रहा होगा आपको छोटा सा 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्यूब रूट 27 की पावर y-1, ठीक है, एंड अपॉन इसके नीचे लिखा हुआ है 10,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बेटा, तो इसको हमें सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है। अब देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं 9 को लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 2, और इसकी होल पावर दे रखी है 2y-1, ठीक है, इसका भी मैं क्या कर लेता हूँ पॉइंट हटा लेता हूँ, तो जैसे ही मैं इसका पॉइंट हटाऊँगा तो 1 2 3 4, तो 4 आ जाएगी नीचे की तरफ 0, तो ये हो गया 81 अपॉन 1 2 3 4 की पावर 1/3, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू देखिए सबसे नीचे की तरफ जो थी फ्रैक्शन में,
ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये कहाँ से आ गया। बहुत ध्यान से देखिए, नीचे की तरफ लिखा हुआ है 243, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 243 को इसको मैं, देखो सब जगह बेस 3 है तो इसे भी मैं 3 में चेंज कर लेता हूँ, तो 243 को मैंने 3 से किया, 381 जा, 327 जा, 39 जा, 33 जा, 31 जा, तो 3 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गई 3 की पावर 5 एंड इक्वल्स टू 1/3 की पावर 2y-1, 2y-5, और यहाँ पर भी देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 3 की पावर 3 है ना, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, और उस पूरे की पावर 2y-1, पूरे की पावर दी है y-1। ठीक है बेटा आगे करें, तो यहाँ पर यस हमें सर, दिया था है ना, तो 27 को लिख लिया मैंने 3 की पावर 3, इसको y-1 एंड अपॉन में 10 की पावर 1, 2, 3, 4, 10 की पावर 4, ठीक है, समझ में आया बेटा इतना। देखिए बेटा ये यस क्वेश्चन सर, थोड़ा सा लेंथी है, इसको ना इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इसको इतना ही रहने दीजिए फिलहाल, इसके आगे हम इसे कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।